बीएसपी के प्रतिनिधि यूनियन भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने बुधवार को आभार रैली निकाली। मुर्गा चौक से निकली रैली ने समूचे टाउनशिप क्षेत्र का भ्रमण किया। रैली का समापन सेक्टर 2 गणेश पंडाल में हुआ। रैली में बीएमएस के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में बीएसपी कर्मचारी भी शामिल हुए। हाल ही में सम्पन्न हुए भिलाई इस्पात संयंत्र यूनियन के चुनाव में भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने बीएसपी कर्मचारियों का विश्वास जीतते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। बीएमएस ने बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन के रूप में विजेता का खिताब हासिल किया है। यूनियन चुनाव में जीत के उपरांत बीएसपी के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने बीएमएस द्वारा बुधवार को आभार रैली निकाली गई, जिसमें बीएमएस के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी शामिल हुए। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशरलू और महामंत्री रवि सिंह ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आभार 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 भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस की विजय की खुशी में आज भिलाई इस्पात संघ के कर्मचारियों के नेतृत्व में आज आभार रैली मुर्गा चौक से पूरे भिलाई का भ्रमण होगा और समापन सेक्रेटरी गणेश पंडाल में होगा। मैं भिलाई इस्पात संघ के समस्त कर्मचारियों को, भिलाई इस्पात मजदूर संघ के सारे कर्मचारियों को मैं बीएमएस की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सारे कर्मचारियों ने हमें मदद किया, अपना बहुमूल्य मत दिया और हमें आज स्थापित किया। यूनियन जो इंटक और सिटी यहाँ स्थापित थी उनको परिवर्तित बदल कर आज हमारी बीएमएस को मौका दिया और सारे लोगों ने मदद किया। मैं भिलाई इस्पात संघ के समस्त कर्मचारी बंधुओं को बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारी विजय जुलूस से आभार रैली का आयोजन हमारे बीएमएस के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सारे बीएसपी इस्पात संघ के कर्मचारी सम्मिलित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं और इस पर खुशी का इजहार करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों द्वारा जो है भिलाई इस्पात मजदूर संघ को विगत दिन हुए 30 जुलाई के चुनाव में जो है भारी बहुमत के साथ जिताया गया है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा कि पिछले काफ़ी समय से जो है श्रमिकों की जो है मांगों की उपेक्षा की जा रही थी। पिछले रेल डिवीजन में 58 महीने तक जो है विलंब हुआ और 58 महीने बाद भी जो है आधा अधूरा वेज रिविजन हुआ। वेज रिविजन को लेकर जो आंदोलन हुआ है उसमें हमारे 14 साथियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, कई साथियों को निलंबन किया गया है और कई साथियों को यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र किया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था उसको भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी कर्मियों ने देखा और हमारे जो एनजेसीएस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उन लोगों का जो प्रयास है, क्योंकि जो है वर्चुअल मोड में जो है एनजेसीएस की मीटिंग हुई है तो सारे कर्मचारी लोगों ने जो है इस मीटिंग में भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस और भारतीय मजदूर संघ का जो जिस तरीके से जो प्रयास है उसको देखा है और उसको देखकर जो है पूरे भिलाई इस्पात संघ के कर्मियों का जो रुझान है भारतीय मजदूर संघ की ओर हुआ है और हमारे युवा साथी भी जो है जिस तरीके का उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ ने जो प्रयास किया है उसको लेकर युवाओं का भी जो है पूरा एक तरफा समर्थन जो है भिलाई इस्पात मजदूर संघ को मिला है और भिलाई इस्पात मजदूर संघ की जीत हुई है और भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा जो भी वादा किया गया है, जो भी संकल्प लिया गया है, चाहे वो आधा अधूरा वेज रिविजन का हो या हमारे साथियों के ट्रांसफ़र का हो या ग्रेजुटी की सीलिंग का मुद्दा हो, हम सभी मुद्दों को जो है प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। क्योंकि सेतु और इंटर के कार्यकाल में कर्मचारियों की कई समस्याएं लंबी थी, उन्हें केवल मात्र आश्वासन ही मिलता था इन श्रमिक नेताओं की ओर से। उनकी श्रमिकों और लंबी समस्याओं को समाधान के लिए किस तरह से उच्च प्रबंधन से चर्चा कर निराकरण किया जाएगा? सीटू और इंटक के कार्यकाल में जो है उन्होंने मजदूरों के मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। पिछला जैसे वेतन समझौता 2014 में हुआ, हर समय जो है वेतन समझौते में ग्रेजुटी का कालम लिखा रहता था। पिछले 2014 में जो वेज रिवीजन हुआ है उसमें ग्रेजुटी का कालम नहीं लिखे होने के कारण 2014 से हमारे जितने भी नए कर्मचारी ज्वाइन किए हैं सबका ग्रेजुटी सीलिंग हो गया है और इस तरीके के काम को देख के जो है इस्पात संयंत्र के या सेल के मजदूर जो हैं पिछले जो भी यूनियन मान्यता में थी उनसे उनकी काफ़ी नाराज़गी है। अभी देखिए हमारे साथी जो रिटायर हो रहे हैं उनको कम से कम ग्रेजुटी में जो है 6 लाख 7 लाख 8 लाख का नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में ये नुकसान जो है काफ़ी बढ़ता जाएगा और नए लोगों का तो ग्रेजुटी सील ही हो गया है, उनको फर्क भी नहीं मिला है, 9% पेंशन का भी अंशदान नहीं मिला है। इस तरीके से जो है मजदूरों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि सभी मजदूरों का जो है इंटक बोलिए या सीटू बोलिए उनके ऊपर से भरोसा हट गया है
और इसलिए जो है सारे जो श्रमिक हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के, उन्होंने बीएमएस के ऊपर में जो विश्वास व्यक्त किया है। बीएमएस की आभार रैली का शुभारंभ सेक्टर 1 मुर्गा चौक से हुआ। मुर्गा चौक से निकली आभार रैली ने समूचे टाउनशिप क्षेत्र का भ्रमण किया। आइए देखते हैं रैली की कुछ खास झलकियां। यानी भविष्य के नए मुकाम को बुला है, हर तरफ से चारों दिशाओं से हो रही है हुंकार। भिलाई इस्पात मजदूर संघ यानी सुनहरे कल का सूत्रधार। साथियों, भिलाई इस्पात मजदूर संघ अब आपके साथ मिलकर है। अब दमक उठेगा भिलाई। भिलाई इस्पात मजदूर संघ मात्र एक संगठन नहीं, विश्वास है, आस्था है, भक्ति है, शक्ति है। हम आपके हाथों में हाथ रखकर आपकी आशाओं, सपनों और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। आखिरी संकल्प, ये हमारा संकल्प भी है और अंतिम लक्ष्य है। मणि की तरह अब दमक उठेगा भिलाई। भिलाई इस्पात मजदूर संघ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।